हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो काफी सारे वीडियो आपको मिले होंगे YouTube पे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे बट मैंने ये वीडियोस बनाए नहीं थे अबाउट द फाइनल ईयर एग्जाम्स मैंने पहले बनाए थे लेकिन बाद में काफी सारे कंट्रोवर्सी चल रही थी तो अभी हमें फाइनली ये तो पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि आपकी एग्जाम्स होने वाली है अभी सवाल या क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आएगा कि ये एग्जाम्स किस तरीके से होगी तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉइंट दैट वेन विल द एग्जाम बी कंडक्टेड एग्जाम कब होगी फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्जाम कैसे हो सकती है तो काफ़ी सारे डिसीजंस इसके ऊपर लिए जाएंगे बेसिकली और हम ये डिसाइड करेंगे मेन अभी ये तो आपको पता चल गया कि एग्जाम कैसे होने वाली है एग्जाम किस तरीके से होगी ये सभी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे और ये तो आपको अभी क्लियर है कि एग्जाम होने वाली है ये पक्का अब प्रॉब्लम ये अराइज होता है कि इतनी सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी इतने मंथ्स में हमने बुक्स को हाथ नहीं लगाया बुक्स को हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया स्टडीज को ताकि हम ये इंप्रेशन में थे कि अब एग्जाम नहीं होने वाली है तो हाउ शुड वी प्रिपेयर अगेन उसके बारे में भी बताऊंगा और मेरे तरफ से मैं आपको क्या हेल्प करने वाला हूँ वो भी सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो लास्ट तक बने रहे और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लेना बिकॉज मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल पर लाते रहता हूँ तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फाइनल ईयर एग्जाम्स के बारे में अगर हम देखें तो फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक इस कोविड नाइन्टीन में बन चुका है कि कभी कहते हैं फाइनल ईयर एग्जाम्स नहीं होंगे कभी कहते हैं फाइनल ईयर एग्जाम्स होंगे लेकिन जो भी डिसीजन लिया गया है स्टूडेंट्स के हित में लिया गया है ऐसे हम मान के ये आगे बढ़ेंगे ठीक है वेन विल बी दी एग्जाम्स कंडक्टेड हाउ विल बी दी एग्जाम्स कंडक्टेड वेदर दी एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन और वेदर दी एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन एंड वॉट विल बी द पैटर्न फॉर द एग्जामिनेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर अभी की सिचुएशन देखे अभी की पैंडमिक की सिचुएशन देखे तो काफ़ी सारे केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं तो सेंटर पे जाके एग्जाम लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट बन रहा है इसीलिए यूनिवर्सिटी उसी बेसिस पे प्लान कर रहा है कि एग्जाम जो है एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से लिया जाए और एग्जाम्स का जो टाइमिंग है वो भी कम रखा जाए और स्टूडेंट्स अपने बेसिस पे एग्जाम घर से दे पाए ये सारे प्रोविजंस के ऊपर काफ़ी सारे डिस्कशंस अभी हो रहे हैं तो अगर हम ओवरऑल देखें तो एग्जाम जो होगा अभी फिलहाल ऑनलाइन होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑफलाइन एग्जाम होने का चांसेस थोड़ा कम है यहाँ पे देख, देखा गया है क्योंकि सेंटर्स पे जाके अगर एग्ज़ाम दे तो टू टू लाख स्टूडेंट्स थ्री थ्री लाख स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के एग्जाम्स देते हैं अभी वो अगर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो फिर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे इसीलिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन मोड ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर देखा गया है और अगर ऑनलाइन मोड के पे एग्जाम लिया गया तो वो एमसीक्यू बेस्ड के बेसिस पे होगा ऐसे भी न्यूज़पेपर में भी आपको आर्टिकल देखने मिल जाएगा तो एमसीक्यू बेस्ड को किस तरीके से अभी करना है तो वो भी मैं सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा आगे आगे की अभी एग्जाम्स होगा ये तो पक्का है तो एमसीक्यू बेस्ड कैसे पढ़ना है दैट आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले क्या-क्या पॉइंट्स थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डिस्कशंस में आए हैं मैंने जो आर्टिकल्स पढ़े हैं उसमें ये ये सारे पॉइंट्स गवर्नमेंट विल टेक डिसीजंस ऑन वेन टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन यूजुअली उदय सामंत सर ने क्लियरली मेंशन किया था कि जब भी एग्जाम्स लिए जाएंगे तो डायरेक्टली ऐसे नहीं होगा कि आज हम अनाउंसमेंट करेंगे और एक वीक में एग्जाम ले लेंगे एग्जाम लेने से पहले आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और स्टूडेंट्स को टाइम भी दिया जाएगा पढ़ने के लिए सो स्टूडेंट्स विल बी गिवन इनफ टाइम टू स्टडी तो बेसिकली वन मंथ स्टूडेंट्स को दिया जाएगा पढ़ने के लिए ऐसा उन्होंने पहले भी कहा था और अगर देखा जाए तो आपकी एग्जाम जो है वो अक्टूबर महीने में हो सकती है वो भी अभी तक कंफर्म उसमें अक्टूबर ही है ऐसा नहीं आया हुआ है जब तक यूनिवर्सिटी से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम यही मान के चलेंगे कि एग्ज़ाम सप्टेम्बर में होगी या फिर एग्ज़ाम अक्टूबर में होगी अभी सप्टेम्बर तो ये चल रही चल ही रहा है और सप्टेम्बर आप सभी जानते होंगे थर्टी तक 30 सितंबर तक कोई भी कॉलेजेस और स्कूल स्टार्ट नहीं होंगे ऐसा जो अनलॉक फोर का गाइडलाइंस है उसमें डिटेल दिया गया है तो यूजुअली आपकी एग्जाम अक्टूबर महीने में हो सकती है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक हो सकती है उसके ऊपर ऑफिशियल डिसीजंस लिया जाएगा तो ऑफिशियल डिसीजन बेसिस पे चलेगा लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप डिसीजंस आने तक वेट ना करें आप धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू करें बिकॉज फिर से पढ़ाई शुरू करना अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क है लेकिन आपको वो ध्यान रखना है फिर टीम ऑफ वाइस चांसलर को अपॉइंट किया गया है जिसके हेड थे सुहास पेडनेकर जो हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है उनके अंदर काफी सारे कमिटी मेंबर्स थे उन्होंने काफी सारे लेवल पे सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के अपना 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 जो अपनी जो राय है अपने बहुत सारे प्रिंसिपल्स होंगे उन सभी की राय लेके एक रिपोर्ट सबमिट किया है ठीक है यूनिफॉर्म गाइडलाइंस आएंगे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडिंग द यूनिफॉर्म गाइडलाइंस ताकि सभी जगह पे एक ही गाइडलाइंस फॉलो हो और स्टेट गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइंस जो रहेगा वो यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करेगा देन यूनिवर्सिटी अपना नोटिफिकेशन लाएगा और उसके बेसिस पे फिर हर बेसिस पे एग्जाम लिए जाएंगे लेकिन एग्जाम काफी काफ़ी सिंप्लीफाइड तरीके से होंगे और एग्जाम सौ मार्क्स के होने के चांसेस थोड़े कम है थोड़ा सा उसको कॉम्पैक्ट कर दिया जाएगा कम कर दिया जाएगा फिर कैन बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस तो अक्टूबर मंथ में हो सकता है लेकिन जैसे सिचुएशन रहेगी उसके बेसिस पे एग्जाम लिया जाएगा ठीक है तो वो इस तरीके से ट्राई करने वाले हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स घर बैठे से ही एग्जाम दे मतलब घर पे बैठ के ही आप एग्जाम दे सकोगे इस तरीके से प्रिपेरेशन्स किया जाएगा तो उसमें मैक्सिमम एडवांटेज होने वाला है आप सभी के लिए लेकिन पढ़े बिना आप एग्जाम दे नहीं सकोगे इसलिए आपको अभी से पढ़ाई आपकी जो है वो शुरू करनी है बिकॉज आपके पास वन मंथ अगर देखा जाए तो वन मंथ है आपको वन मंथ में सारी चीज़ें रिवाइज करनी है और अगर ऑनलाइन एग्जाम रहा तो आपको ऑनलाइन में एम सी क्यूज़ बेस अगर पैटर्न आएंगे तो एम सी क्यूज़ भी आपको रिवाइज करने पड़ेंगे ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी हाउ दी एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी बात कर ली कि ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड विच एवर विल बी सुटेबल एज पर सरकमस्टें और इफ ऑनलाइन मोड हुआ तो एमसीक्यूज बेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे तो मैं एमसीक्यूज बेस मेरे बेसिस पे भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउ शुड वी प्रिपेयर हाउ शुड वी प्रिपेयर अगेन ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम होगा एग्जाम कब होगा टाइम टेबल क्या होगा ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूबर इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं लेकिन मैंने आपको एक ओवरऑल uh, व्यू भी दे दिया और अभी हमें इतना क्लियर है कि एग्जाम होने वाला है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा अभी फिर से वही सारी चीज़ें पढ़नी है शुरू कहाँ से करें तो डोंट वरी अबाउट दैट स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स जो भी आपके चैप्टर के बेसिक्स है वो आप पढ़े बिकॉज पेपर काफी सिंपल सेट किया जाएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स इसमें से क्लियर हो जाए और बेसिक्स के ऊपर आपको ध्यान देना है जो भी आपके चैप्टर्स होंगे उनके जो बेसिक्स होंगे उसके ऊपर आपको ध्यान देना है फिर जो भी चैप्टर का क्रक्स रहेगा जो भी चैप्टर का मेन पॉइंट रहेगा वो आपको रिवाइज uh, करना है ताकि अभी इतने सारे दिनों में हम सारी चीजें भूल गए लेकिन एक दो बार एक दो बार आप उसको अगर रिवाइज करोगे तो आपको सारी चीजें याद रहेगी लेकिन अभी आपको इतनी चीज़ याद रखनी है कि एग्जाम होने वाली है तो मैं मेरी बेसिस पे आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पे लिया गया और अगर एग्ज़ाम एम बेस पे लिया गया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ मेरे साइड से मैं आपके लिए काफ़ी सारे एम का प्लानिंग करूंगा आपको हर लेवल के एम सी क्यूज वहाँ पर मिलेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे सो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल दी एम सी क्यूज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स फिर हम लाइव सेशन लेंगे ताकि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स का एक ओवरऑल जो पिछला आप भूल गए हैं उसको एक बार रिवाइज़ करने का काम हम करें एक फाइनल टचअप देने का काम हम करें फिर मैं आपको ऑडियो भेजूँगा रिवाइज करने के लिए अब ये ऑडियो कहाँ पे आपको मिलेंगे तो ऑडियो आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे मेरा चैनल है लास्ट मिनट रिविजन विद आर जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहाँ से पहले आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर ले और फिर टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के बाद ये लिंक को क्लिक कर लेना जो डिस्क्रिप्शन में है आप सीधा उसमें जॉइंड हो जाओगे और आपको वहाँ पे सारे फ्री पी प्री भी मिलेंगे जो भी वीडियोस होंगे वो जो भी एम सी की उसमें डालने वाला हो जो भी जैसे भी पैटर्न आएगा उस बेसिस पे हम चलेंगे ताकि आपको लास्ट मोमेंट में सारी चीज़ें एक एक करके रिवाइज़ हो जाए ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ अपने बेसिस पे तो ध्यान रखना अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लो वीडियो को अपने फ्रेंड्स पे शेयर कर लेना ताकि वो लोगों को भी इससे बेनिफिट मिले और वो जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ वो सभी आपको बेनिफिट दे दे ताकि एग्जाम जो आपकी होगी उसमें आपको अच्छे तरीके से मार्क्स मिले और आपका जो ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है उसका आपको डिग्री का आगे हेल्प हो ठीक है दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक कर ले अपने फ्रेंड्स में शेयर कर ले टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर